दल के नेता देवेंद्र बबला और पूर्व डिप्टी मेयर हरमोहिंदर सिंह लक्की चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनोर से मिले। कांग्रेस पार्षद दल के नेता देवेंद्र बबला की ओर से कहा गया कि शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर इस मीटिंग के दौरान चर्चा की गई है और उनके जल्द समाधान किए जाने की भी बात कही है। बबला ने कहा कि शहर में पानी के दरों में कटौती की जाए, क्योंकि पानी के रेट इतने बढ़ा दिए गए हैं कि लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रह रहे लोगों की समस्याओं को उठाया कि उनके अतिरिक्त निर्माण हाउसिंग बोर्ड द्वारा ना गिराए जाए, लोगों ने जो नीड बेस्ड चेंज किए हैं उन्हें लागू किया जाए। वहीं उन्होंने बताया कि नगर निगम में भर्ती के नाम पर धांधली हो रही है और इस धांधली को बंद किया जाए। डड्डू माजरा में बनी डंपिंग ग्राउंड की समस्या से लोगों को जल्द ही निजात दिलाई जाए, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड में जब भी आग लगती है तो वहां रह रहे लोगों का जीना दुर्लभ हो जाता है। चंडीगढ़ में गांव के विकास पर भी चर्चा की गई और बताया गया कि जब से ये गांव निगम में शामिल हुए हैं तब से इन गांवों का विकास नहीं हो रहा है। गौरतलब है कि जब से कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला बने हैं तब से वह बीजेपी पर निशाना साधे हुए हैं। इसी के चलते आज की इस मीटिंग में भी शहर की समस्याओं को उठाने के साथ साथ भाजपा पर हमला बोला गया है। बढ़ाया है और 10% से लोग जो हैं सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही इतना करेक्टर रेट बढ़ा दिया था कि एक 10 करोड़ की बिल्डिंग है उसका करेक्टर रेट जो है 25 करोड़ किया हुआ है, वो कहाँ से बिकेगी या कहाँ से कोई लोग लेगा। आधे से ज़्यादा लोग जो हैं चाहे इंडस्ट्री में हैं चाहे बिजनेस में हैं मोहाली की तरफ वो शिफ्ट कर गए हैं। अगर आपने उनको रोकना है तो करेक्टर रेट जो है वो शहर का कम करके गांवों में करेक्टर रेट बढ़ाना चाहिए। गांव की जो ज़मीनें हैं वो अभी 1.25 करोड़ रुपया है उनका करेक्टर रेट, कम से कम उसका करेक्टर रेट जो है 5 करोड़ रुपये तक होना चाहिए जिस तरीके से पंजाब में है। शहर का कलेक्टर रेट कम हो और गांव का कलेक्टर रेट ज़्यादा हो। उसके बाद जी हमने जो लास्ट है कि EWS टेनामेंट्स, यहाँ पे लोग जो हैं बहुत सालों से रह रहे हैं और वो शुरू से ही अपना मालिकाना हक जो है वो मांग रहे हैं और उनको मालिकाना हक नहीं मिल रहा। कुछ लोगों ने अपनी ज़रूरत के लिए पावर अटॉर्नी के ऊपर अपने मकान बेचे भी हैं, पर उससे पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उसको जो है माना जाता था, उसको मानता थी, तो उसी के बिहाव के ऊपर जो है कोई नॉमिनल रेट लगाकर, जैसे सेक्टर 30 में है, सेक्टर 32 में है, सेक्टर 37 में है और भी कई जगह पे टेनामेंट्स हैं 38 में हैं, उनको मानता जो है थोड़े बहुत पैसे लेके उनको मानता देनी चाहिए। ये आज का कोरोना के बारे में बात की, कोरोना काफ़ी फैल गया है पर लॉकडाउन जो है इसका समाधान नहीं है। लोगों के अंदर जागृति जो है लानी वो ज़रूरी है, लोगों को जागरूक करिए। ये आज की हमारी वहाँ मीटिंग थी। गवर्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया? हमें पूरा आश्वासन दिया है, कुछ तो जो है साथ की साथ ही उन्होंने मुद्दे जो हैं हमसे 45 मिनट बात की, 45 मिनट हम बात करके आए हैं उनसे और उन्होंने एश्योरेंस दिया कि दोबारा आपके साथ एक मीटिंग दोबारा बुलाई जाएगी। जो है हाउसिंग बोर्ड का ये चाहते हैं कि सभी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां बैठें और साथ में हाउसिंग बोर्ड के जो हैं नेतागण वो बैठें, एक ही बार में देख के क्या है उसको हम पास करें। इसी तरीके से गांव वालों की बात की जिनको लेके आप गवर्नर साहब को मिले। आज ही हम जी सुबह टाइम मिला था, हमें टाइम तो हमने बल्कि कुछ ज़्यादा लोगों का मांगा था, पर कोरोना की वजह से हमें 2 ही लोगों को मिलने का वक्त मिला। सबसे पहली समस्या तो है पानी की, जो रेट बढ़े हुए हैं अभी तक पानी के बिल जो हैं दोबारा आ गए हैं और उसमें नया रेट लग के आया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि जी हम इसके रेट जो हैं इसको फौरन जो हैं हम कम करवाएंगे, पर अभी तक रेट नहीं वो जो हैं कम हुए, वो हम समस्या लेके गए थे। दूसरी थी हाउसिंग बोर्ड की, हाउसिंग बोर्ड के अंदर जो मकान हैं वो हमने कहा कि उनको नोटिस आ रहे हैं और एक समय की लाइन भी खींची गई है कि अगर इस तरीके तक नहीं तोड़ा गया या नहीं तो हम इसके ऊपर जुर्माना लगाएंगे और तोड़ेंगे। उनको बताया कि ये नीड बेस्ड लोग हैं यहाँ पे रहते, ये कोई सरमायादार लोग नहीं रहते,
जिनके घर में पहले बच्चे एक थे या दो हो गए, उन्हीं लोगों को जो है अपने ही घर के अंदर उन्होंने आल्ट्रेशन की है थोड़ी सी, तो इस समस्या का हल जल्दी से जल्दी होना चाहिए और उनको नोटिस भेजने बंद होने चाहिए। तीसरी थी लाल डोरे की कि जब से गांव कॉरपोरेशन के अंदर आए हैं तब से गांवों की हालत जो है बद से बदतर हो गई है। अखबारों के माध्यम से भी फोटो छपी हैं कि सड़कों के ऊपर कितना कितना कीचड़ है, ना उनका कोई वाली वारस है। पहले गांव जो होते थे, पंचायतें होती थी, सरपंच होते थे, पंच होते थे, उनके ऊपर वीडियो होता था, वो सारी समस्या वहीं पे वहीं सुलझ जाती थी। अब उनका कोई वाली वारस नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा पैसा दें हमें, चाहे कॉरपोरेशन को दें, जो सिर्फ गांवों के ऊपर ही लगे। और लाल डोरे की बात की थी कि लाल डोरे को जो है आपके माध्यम से पता चला है जी कि आप लाल डोरे की सीमा जो है बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम आपका वेलकम करते हैं, पर अभी तक वो जो है कोई सीमा बड़ी नहीं है। रही डंपिंग ग्राउंड की, डंपिंग ग्राउंड जो है एक चंडीगढ़ के अंदर बनाया गया था और एक बड़ी खूबसूरती से बनाया गया था और एक जेपी प्लांट वहाँ पे लगाया गया कि सारा शहर का कचरा जो है वहाँ पे प्रोसेस हो। जब तक कांग्रेस थी अच्छे तरीके से चला, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को वो जेपी का जो है जो डंप वहाँ पे बनाया था प्रोसेसिंग प्लांट क्यों नहीं मतलब उनको ठीक लगा और उन्होंने हाउस के अंदर पास करा के उसके ऊपर कब्जा भी कर लिया कि हम इसको अच्छे ढंग से चलाएंगे। अब हालत ये होगी है कि वहाँ पे रोज़ का 500 टन जो है कूड़ा शहर के अंदर इकट्ठा होता है, उसमें 10 टन भी जो कूड़ा है प्रोसेस नहीं कर पा रहे। और पिछली बार दो बार आग तो अभी लग चुकी है, और जो पिछली बार आग लगी थी उसमें पूरा जो है जेपी प्लांट का जितना प्लांट था उससे आधा जो है आग की लपेट में आ गया। अभी अफसरों का जो है स्टेटमेंट आई जी कि 2 करोड़ रुपया हमें चाहिए जो उसको हम ठीक करवा सकें। कहाँ एक अच्छे चलते चलाते प्लांट को और उन्होंने एक बिल्कुल ही डंपिंग बना दिया। और वहाँ लोगों की समस्या ये है कि जो वहाँ पे रहते हैं 70% लोग जो हैं वहाँ पर एक मरीज बनकर रह गई हैं। किसी को स्किन की प्रॉब्लम होगी, किसी को टीबी की प्रॉब्लम होगी। उसके बाद कर्मचारी, जो बिजली कर्मचारी हैं कि जी बिजली का जो है बिजली डिपार्टमेंट ये मुनाफे के अंदर चल रहा है तो आप इसको प्राइवेट क्यों कर रहे हैं, और यहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं वो कहाँ पे जाएंगे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जितने भी ये कर्मचारी हैं अगर प्राइवेटाइजेशन होती है, ये कहते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, ये दिल्ली से ही सारा कुछ जो है होके आ रहा है और उन लोगों को भी इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। और उनको मौका तो मिलेगा, वो ये है कि जब लोग गवर्नमेंट से रिटायर होते हैं उनको अपना पेंशन मिलती है और उनको पीएफ मिलता है, बहुत सा कुछ मिलता है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके बारे में पूरा विचार किया जाएगा। और ये कहा गया कि नगर निगम जब से भारतीय जनता पार्टी के पास आई है शहर का बुरा हाल हो गया है, सड़कें टूटी पड़ी हैं और मार्केटों के बाथरूमों का बुरा हाल है, पार्किंगों का बुरा हाल है, और कहीं भी चले जाइए वहाँ पे लोग जो है वो दुखी ही दुख हैं। उसके बाद अभी नियुक्तियाँ हो रही हैं यहाँ पे कॉरपोरेशन के अंदर, शरेआम धांधली हो रही है, पैसे लेके भर्तियाँ की जा रही हैं ड्राइवरों की, जो है जो ड्राइवर अच्छे हैं काम करने वाले हैं उनको लिया नहीं जा रहा, और जो लोग ऐसे हैं जिनको ड्राइवरी आती भी नहीं है उनको भी लिया जा रहा है, कोई टेस्ट नहीं लिया जा रहा। और उसके बाद एक विवादित ऑफिसर को यहाँ पे स्पेशल लेके आया जा रहा है, जो अपने पहले गुलाटी थे एक्सल गुलाटी, उनको SC बनाकर लेके आ रहा है। और अभी तक जो इमारत उन्होंने वो पार्किंग बनाई थी सेक्टर 17 के अंदर, अभी वो विवादित है। और ये साहिबान की जो है न इसके ही एक्शन जब थे जी तब उनके देख रेख में ये बनी थी। अगर ये उस टाइम पे इस तरीके का काम कर सकते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर क्या काम करेंगे। तो यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर
बहुत से काबिल ऑफिसर हैं जो इस पदवी को संभाल। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।